और मेरा लुक टेस्ट हुआ और तब मुझे पता चला कि हजारों बच्चों का ऑडिशन किया जा रहा है देश भर में। और आनंद अंकल ने मुझे और पिताजी से कहा था कि राम जी और सीता मैया के बच्चे हैं तो जिम्मेदारी ज़्यादा है कि दे हैव टू बी कास्टेड, देयर कास्टिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। और तब पहली बार पिताजी को एहसास हुआ कि बाप रे, मतलब अगर ये चुना जाएगा तो देश भर के हज़ारों बच्चों में से ये चुना जाएगा। और हमसे बार बार कहा जा रहा था कि आप इसके बारे में किसी को बताएंगे नहीं, आप ऑडिशन के लिए आ रहे हैं, आप हमसे मिलने आ रहे हैं, आप ये किसी को बताएंगे नहीं। और ऑब्वियसली मतलब हमने, मुझे याद है मैंने मेरे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स को भी नहीं बताया था, सिर्फ पिताजी के एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे जो बापू दांडेकर उनका नाम था, जो पिताजी की बहन के पति भी थे, तो पिताजी के दोस्त भी थे और पिताजी का रिश्ता भी था हमारा। तो बापू काका को पिताजी ने बताया कि ऐसा ऐसा, और बापू काका वो सो हैप्पी बिकॉज ही टू रियली लव मी। दुर्भाग्यवश अब बापू काका भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तो पिताजी और बापू काका मेरे साथ हर जगह आते थे। और ऑडिशन हुआ और हम घर आए और उसके बाद मुझे कहा गया कि अब फाइनल ऑडिशन होगा आपका जो सेट पे होगा। और उमरगांव में वृंदावन स्टूडियो नाम की जगह है, आपको वहाँ हम गाड़ी भेजेंगे और आपको वहाँ जाना है और आपका वहाँ पे ऑडिशन होगा विथ प्रॉपर मेकअप सेट और एक्चुअली एक्टर्स के साथ आपका ऑडिशन होगा। और मैंने कहा ठीक है, और पिताजी ने कहा कि जाएगा ना, मतलब चलेगा ना, मज़ा आ रहा है ना। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे जेन्युइनली बहुत मज़ा आ रहा था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे रोज़ नए लोग मिल रहे थे, मुझे लोग बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत स्नेह मिल रहा था। और बचपन से एक्टिंग का शौक रहा है, बचपन ही था मेरा, 8-9 साल का था मैं, लेकिन मज़ा आ रहा था, जो मेरे आसपास जो घट रहा था उससे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। और मैंने कहा कि हाँ हम चलेंगे। और फाइनली हम उमरगांव पहुँचे तो वहाँ पे भी माहौल ये था कि आई वॉज नॉट द ओनली किड, 8 बच्चे उमरगांव में आए थे और मेरे अलावा 7 और हर किसी के साथ अपने उनके या तो माता या पिता या कोई एक सगा स्नेही उनके साथ था। और हम दो ढाई दिन उमरगांव में थे और पहली बार मैंने सीता मैया को देखा, पहली बार मैंने राम जी को देखा, पहली बार मैंने लक्ष्मण जी को देखा। और मेरे लिए तो सपना था, मेरे लिए, मेरे पिताजी के लिए, बापू काका के लिए सब सपना था। मतलब जिन लोगों को देख के, उनकी पूजा करके हमने ज़िंदगी के पिछले 2 साल निकाले थे, उन लोगों को हम रूबरू देख पा रहे थे, उनको सुन पा रहे थे, उनके आसपास रह पा रहे थे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। खैर मेरा फाइनल ऑडिशन शुरू हुआ, मेरा फाइनल ऑडिशन सीता मैया के साथ था, दीपिका जी के साथ था। और मैं और मयूरेश, हमारी पैर बनाई गई थी क्योंकि 8 बच्चे थे तो 4 pairs बनाए गए थे, मतलब एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी और चौथी जोड़ी, और जोड़ी में ही ऑडिशन हो रहा था। तो मेरी और मयूरेश की जोड़ी बनाई गई थी और हमारा ऑडिशन माताजी के साथ, हमको एक सीन दिया गया था और सीता मैया और हम दोनों, ऐसा वो सीन, मैं आपको बताऊंगा भी वो कौन सा सीन है, जब वो सीन टेलीकास्ट होगा तो मैं बताऊंगा कि ये मेरा ऑडिशन का सीन था, फाइनल ऑडिशन का, जो ऑब्वियसली फिर से शूट हुआ जब टेलीकास्ट होने वाला था, लेकिन ऑडिशन का सीन वो था, मुझे अच्छी भली भांति याद है वो सीन क्या। और मेरा ऑडिशन हुआ और ऑडिशन खत्म हुआ और रात को हम सबको कहा था कि रुको, और रात को मैं आपको बताऊं, मतलब अब पिताजी मुझे बताते हैं, मैं तो 7-8 साल का था, लेकिन कमाल का माहौल था वहां पर, क्योंकि कोई दिल्ली की मिनिस्ट्री से लेटर लेकर आया था, कोई किसी मिनिस्टर का रेफरेंस लेकर आया था, कोई किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का रेफरेंस लेकर आया था, कोई पॉलिटिकल प्रेशर लेकर आया था कि हमारे बच्चे को कास्ट करो, हमारे बच्चे, बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज थिंग। बट खैर साहब, वो रामानंद सागर साहब थे, वो सागर आर्ट्स था, वहाँ सिर्फ मेरिट पे काम होता था। और मतलब मुझे याद है, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, एक महिला थी, वो भी अपने बेटे के साथ आई थी और उन्होंने रात को मिठाई भी बांटी थी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है और कल ये लोग अनाउंस करेंगे, लेकिन मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है, तो उन्होंने मिठाई भी बांटी थी सबको। एंड पिताजी और बापू काका को लगा कि वो जो जोड़ी की बात कर रही है, उस जोड़ी में तो अपना बच्चा नहीं है, तो हमारा सिलेक्शन तो नहीं हुआ।
और हमने तीनों ने मन बना लिया था कि वापस घर जाना है अब कल सुबह, क्योंकि हमको बताएंगे कि आपके बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ और आपको घर जाना है। और उसी निराशा के साथ हम सोए, लेकिन आने वाली सुबह हमारे लिए एक और न्यूज़ लेकर आई थी। आपको पता है वो न्यूज़ क्या है, लेकिन फिर भी उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए उत्तर रामायण देखते रहिए और ऐसे ही स्नेह बनाए रखिए। जय श्री राम। तो पिताजी ने कहा कि हाँ जी कहिए। और आनंद अंकल ने मेरे पिताजी से पहली बार वो शब्द कहे जो शब्द हमारे कानों पर पड़ने के बाद हमारी जिंदगी बदलने वाली थी।